कर मेरे मन को किया तूने क्या ही बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा आजा बहारों की मलका मौसम बदल जा दीवाने तेरे नाम के खड़े हैं दिल थाम के मिटा दे लग के गले गिले ये सुबह शाम दीवाने तेरे नाम। गुड मॉर्निंग। तो आप सबको पता होगा कि पिछले 2-3 दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे और उसके पीछे रीजन था कि तबीयत सही नहीं थी बदलते मौसम की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी एक तरह से पूरी तरह से आ चुका है, यानी सुबह शाम आपको और रात में आपको ठंड का पूरी तरह से एहसास होगा। और उसकी वजह से जैसा कि हमेशा होता है जब मौसम बदलता है तो तबीयत खराब होती है, और बुखार आ जाने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपने फिलिप्स प्रिंस ट्रांजिस्टर रेडियो का स्पीकर बदला हुआ था, उसको वापस से उसमें उसका ओरिजिनल स्पीकर डालते हैं और उसके बाद ही उसका कंपेरिजन वीडियो आएगा। क्योंकि पुराना वाला जो फिलिप्स ट्रांजिस्टर रेडियो है उसमें कोई और अगर आप स्पीकर लगाते हैं तो उसको सुनने का मजा किरकिरा हो जाता है, तो इसीलिए हमने उसमें वापस से उसका पुराना स्पीकर जो ओरिजिनल स्पीकर है वो डालने का प्लान किया है। और अब से उसका स्पीकर बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे और अपने चैंपियन में, नए वाले चैंपियन में चैंपियन का स्पीकर लगा देते हैं और फिलिप्स प्रिंस में ओरिजिनल प्रिंस का स्पीकर डालते हैं। तो चलिए आपको वीडियो में दिखाते हैं, दोनों रेडियो को खोलते हैं और दोनों का स्पीकर इंटरचेंज करते हैं। तो ये मैंने अपने फिलिप्स प्रिंस ट्रांजिस्टर को खोल दिया है और ये देखिए, ये एडाप्टर से चलाने के लिए ये इसका सेटअप है। और यहाँ पे ये देखिए फेराइट रॉड इसका, और ये रहा इसका सर्किट। और ये जो स्पीकर आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में फिलिप्स चैंपियन नए वाले का स्पीकर है, इसको मैंने इसमें कनेक्ट नहीं किया था। इसको भी खोलते हैं और वापस से चैंपियन में डालेंगे और इसमें पहले इसका स्पीकर डालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस रेडियो का मज़ा इसके ओरिजिनल स्पीकर के साथ ही है। क्योंकि जब मैंने इसका स्पीकर चेंज किया तो मुझे फील हो गया कि वो मज़ा नहीं है जो इसके ओरिजिनल स्पीकर के साथ इस रेडियो को सुनने में। हालांकि बेस इसमें भी पता चलता है, लेकिन आपको जैसा मैंने बोला कि वो आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। और अपने एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि अब आगे से इसका स्पीकर हम कभी चेंज नहीं करेंगे और इसको आज के बाद इसको खोलेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं इस रेडियो को बार बार खोलना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें अगर कुछ फॉल्ट आ गया तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है और ये मेरा फेवरेट रेडियो है। तो चलिए इसका स्पीकर निकालते हैं, इसमें से यहाँ से सिर्फ इस नट को खोलना है, स्पीकर निकालेंगे और इसका ओरिजिनल स्पीकर इसमें डालते हैं। तो ये है मेरा फिलिप्स प्रिंस ट्रांजिस्टर का स्पीकर और ये मैं लगाने वाला हूँ वापस से अपने फिलिप्स प्रिंस में। और ये रहा मेरा फिलिप्स का चैंपियन नया वाला, अभी मैं इसमें इसका वाला स्पीकर डालने वाला हूँ और इसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा। और DSP चिप होने की वजह से इसमें आपको कंपोनेंट्स जो FT कॉइल ऑसिलेटर सब होते तो आपको कम मिलेंगे, है ही नहीं इसमें एक तरह से। आप ये देखिए, देखिए अगर ये कोई भी देखे तो लगेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, यानी कि ये रेडियो सिर्फ ब्रेन पे चलता है, इसमें कोई किडनी लीवर नहीं है, सिर्फ ब्रेन है इसमें। तो चलते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं अपने फिलिप्स प्रिंस ट्रांजिस्टर में। तो हमने इसमें ओरिजिनल स्पीकर जो फिलिप्स प्रिंस का था वो हमने डाल दिया है और इसको सोल्डिंग बाद में करेंगे, और होगा तो उसको मैं तार ही चेंज करूँगा क्योंकि कटा हुआ भी काफ़ी जगह से, इसको मैं बाद में सोल्डिंग करूँगा। अभी फिलहाल मैं इसको पहले चेक कर लेता हूँ सेल डाल के, और उससे पहले मैं फिलिप्स चैंपियन नया वाला का ये स्पीकर डालते हैं अपने चैंपियन में जाके। तो फाइनली मैंने इसका स्पीकर इसमें लगा दिया है और ये थोड़ा सा ढीला था तो मैंने इसमें कागज़ डाल के इसको मैंने टाइट कर दिया जिससे कि वो हिले ना, आवाज़ ना करे। और करते हैं इसकी साफ़ सफाई और फिर इसको सेट करते हैं, और सेट करने के बाद आपको इसका परफॉर्मेंस एक बार दिखाएंगे। और साथ में मैंने अपने चैंपियन में भी स्पीकर डाल दिया है, देख। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। तो अब चलते हैं और इसको सेट करते हैं वापस से प्रॉपर तरीके से। तो फाइनली मैंने इस रेडियो को सेट कर दिया वापस से, और ये इसमें मैं आज डाले 4 नया डीसेल, और ये चारों नया डीसेल मैं अभी इसमें डालने वाला हूँ और लगाते हैं इसको इसमें और आपको परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं। और इसमें भी नया 4 डीसेल इसमें डाला है और परफॉर्मेंस सुनिए। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र जहाँ से अभी हिंदी फिल्म में ये गाने आ रहे हैं और यह है 621 किलोहर्ट्ज़। ये आकाशवाणी मैत्री 594 किलोहर्ट्ज़ पे।
ये है 711 किलो हर्ट्ज पे आकाशवाणी सिलीगुड़ी। আমরা সেগুলোকে ছেড়ে না দিয়ে ভালো করে সেগুলোকে চেষ্টা ये आकाशवाणी दरभंगा 1296 किलो हर्ट्ज पे। और यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र 1458 किलो हर्ट्ज पे। रिसेप्शन काफी वीक है क्योंकि ट्रांसमीटर भी काफी हाई कैपेसिटी का नहीं है, साथ ही दूरी भी ज्यादा है। तो आपने देख लिया कि मैंने प्रिंस का स्पीकर प्रिंस में डाल दिया वापस से, और चैंपियन का चैंपियन में, नए वाले चैंपियन का नए वाले चैंपियन में डाल दिया। और आपको बताना चाहूंगा कि नए वाले चैंपियन पे जब मैंने फिलिप्स प्रिंस का स्पीकर डाला तो साउंड क्वालिटी मुझे उतनी बेहतरीन नहीं, आवाज में थोड़ा सा भारीपन आया, लेकिन ट्रेवल साइड जो उसमें होता था पहले वो बिल्कुल ही मिनिमल हो गया, और सुनने में वो मजा बिल्कुल नहीं आ रहा था, बिल्कुल फ्लैट सा साउंड आ रहा था। और ये सच बोला जाता है कि जो कंपनी के साथ जो रेडियो के साथ स्पीकर आता है उसका ऑप्टिमाइजेशन उसके सर्किट के साथ ही प्रॉपर तरीके से करके दिया जाता है। ऐसा होता तो कंपनी भी इसमें अच्छे वाले स्पीकर लगा के भेज सकती थी। तो फिलहाल के लिए मैं अगर उसमें स्पीकर अब ट्राई भी करूंगा तो नए वाले चैंपियन में पुराने वाले चैंपियन का स्पीकर डालूंगा, और फिर देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा होता है। और उसके बाद अगर होगा तो मैं अपने पगारिया क्रेटा 5 बैंड का स्पीकर डालूंगा फिलिप्स चैंपियन नए वाले में, और देखते हैं कि परफॉर्मेंस में क्या फर्क आता है। फिलहाल के लिए बता दूं कि अब मैं अपने फिलिप्स प्रिंस ट्रांजिस्टर स्पीकर कभी नहीं खोलने वाला, और मैं ऐसे विंटेज रेडियो को दोबारा और बार बार खोलना बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।